आपके पिताजी रामानंद सागर रामायण में इतना बेहतरीन किरदार उन्होंने निभाया हनुमान जी का, और आज भी वो दिलों में बसता है। वो हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी छाप हमारे जहन में है। सबसे पहले शुरुआत वहीं से करेंगे। उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है और हमें लगता है कि हनुमान जी का आशीर्वाद हमारी फैमिली पर है, क्योंकि मुझे भी बार बार ये मौका मिलता है उनकी सेवा करने का जी। मुझे अभी भी याद है, हम बहुत छोटे थे और आई थिंक 1974 की बात है, डैड फर्स्ट टाइम हनुमान जी का काम करने जा रहे थे, पिक्चर का नाम था जय बजरंग बली, और हमने कहा हमें देखनी है शूटिंग, कि हमें देखना है हनुमान जी कैसे बनते हैं, क्योंकि डैडी तो पिक्चरों में बहुत काम करते थे पर हनुमान जी बनना एक अलग ही बात थी। तो उनने कहा भाई विश्वजीत हीरो है, बहुत लोग हैं, लेकिन अगर तुम्हें चलना है तो बहुत सुबह सुबह चलना पड़ेगा। तो 6 बजे में उठा के ले गए और फिर हमने देखा किस तरीके से वो हनुमान जी के गेटअप में आए टेपे लगा लगा के, तो इट वॉज वेरी हार्ड बट आफ्टरवर्ड्स ईजी होता गया और अब काफ़ी ईजी हो गया है। तो रामानंद सागर की जो शूटिंग है उसमें भी हम गए थे और वहाँ जो एटमोसफियर था ऐसे लग रहा था कि भगवान खुद उतर आए हैं और ऐसी शूटिंग हो रही थी, तो इट वॉज अमेजिंग। और वो अभी तक आई थिंक कोविड में भी फिर से चला है रामायण, अभी तक चलती है, घर घर में चलती है, कोई नहीं भूल सकता, तो हिस्ट्री है। एंड डैड का आशीर्वाद हम पे, हनुमान जी का आशीर्वाद डैड पे, तो डैड हनुमान जी का हमारे पर भी आ ही गया आशीर्वाद।